It is indeed a very beautiful evening. I'm attached to the cause very deeply because मैं खुद भी 45 लड़कियों की देखभाल करती हूँ. आई रन अ ऑर्फनेज होम. सो डेफिनेटली इट इज़ मेरी मदर की मदर नहीं थी, इसलिए उनको वो इनकम्प्लीटनेस उनकी भी ज़िंदगी में थी, इसलिए उन्होंने मुझे प्रेरणा दी दैट आई शुड बी अ पार्ट ऑफ सच अ थिंग. एंड आई थिंक बैक टू बैक ये मेरा चौथा साल है. आई हैव बीन विद द कॉज. सो या इट्स अ प्रेस्टीजियस, इट्स अ प्राउड फीलिंग. वैसे देखा जाए तो बदलाव तो बहुत सारे बाकी हैं. मतलब आई एम हैप्पी टू सी अ लॉट ऑफ चेंजेस, बट मतलब जो लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं, इलिटरेट होते हैं, वो नहीं समझ पाते, समझ में आता है. बट आई हैव सीन सम रियली गुड एजुकेटेड फैमिली और उनकी थिंकिंग और मेंटल लेवल इज़ सो लो दैट इट इज़ वेरी डाउनग्रेडिंग एंड इट इज़ वेरी डीपली वेरी बैड. बिकॉज आई मीन आई हैव सीन जब किसी की भी घर में कोई प्रेग्नेंट होता है तो ऑल दे एक्सपेक्ट इज़ अ बेबी बॉय एंड नॉट अ बेबी गर्ल एंड थिंकिंग कि हमारा वंश आगे जाएगा. वंश आपका आगे जाएगा कैसे जब औरत ही दुनिया में नहीं होगी. आई सी इन द ओवरऑल पॉपुलेशन लाइक इन व्हेन इट कम्स टू 100 देर आर लाइक 90% मेन एंड ओनली 10% फीमेल. सो हाउ विल द दिस वर्ल्ड begin and go forward and grow. So I think it's high time, it's big time, because something similar has been happened with me. My family had asked to abort me because I'm a baby girl. So yeah, that this cause is like, it's like deeply touching to me, and that's why I'm here. Well, excitement तो हमेशा रहता है, हर साल रहता है. मेरी मतलब मुझे मिस इंडिया मिस वर्ल्ड बनाना चाहती थी, मैं खुद भी बनना चाहती थी, बट ऑल थैंक्स टू माई हाइट मैं नहीं बन पाई. बट मैंने मम्मा को प्रॉमिस किया था दैट आई विल बी अ गुड स्टार एंड आई विल बी अ सेलिब्रिटी और मैं एज अ यू नो विथ ऑल स्टारडम आई विल वॉक द रैंप एज अ शो स्टॉपर. सो शी वॉज रियली हैप्पी कि एटलीस्ट मैंने अपनी बच्ची को स्टेज पर वॉक करते हुए देख लिया. एक्चुअली होली एक साथ में बेबी को लेके आया जिसका नाम है कोरोना वायरस. सो मेरे होली के प्लान्स काफ़ी थे, मेरे इवेंट थे, बट सब कुछ कैंसिल हो गया ऑल ड्यू टू कोरोना. सो या द एक्साइटमेंट लेवल हैज़ कम डाउन. मुझे एक इवेंट पे जाना तो है बट मैं मास्क लगा के जाऊँगी. सो आई डोंट नो होली कैसी होगी बिकॉज ये कवर्ड रहेगा. आई थिंक ऑल आई कैन डू इज़ लाइक अ टीका, नथिंग एल्स. Sorry? I think this year the only precaution that you guys should be taking is to avoid going to any of the public places. Cover your mouth and Holi khelna hai, ghar pe ke terrace pe khelo, shagun ka rang lagao and that's it. Wish you all a very very happy Holi and a happy Women's Day to all. Thank you. Well, मेरा look inspired है from a Barbie doll. And designer ने जब मुझे देखा था तो मुझे यही बोला था कि you look like a Barbie doll and I want you to look again like a Barbie doll. उन्होंने बोला कि आपका nail art जो है वो उससे matching exactly एक मेरे पास dress है, तो why don't you get into that? And also you're a fair skin, तो dark color would enhance your look. So that's why she gave me this and I'm really happy with the outfit. Thank you. शाहरुख पोज भी हो जाए. काजोल 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 भी आ गई. लुक एट द काजोल. या वेरी वेरी.
guys, this is Paras Madan and you are watching Access Bollywood. Keep watching. I'm Sharma here. This is Garima Jain. You're watching Access Bollywood. Keep watching.